हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत ही ज्यादा महत्व है। पूजा पाठ से न केवल व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है, बल्कि इससे व्यक्ति का मन भी प्रसन्न रहता है। जब कभी आपका मन उदास हो और किसी काम में मन नहीं लगे, तो आप तुरंत मंदिर चले जाइए। फिर देखिए मन में जो शांति आएगी कि हर काम में आपका मन भी लगेगा। वैसे भी कहा जाता है कि सबसे सुकून की जगह ही होती है मंदिर, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से करते हैं पूजा। जी हाँ, पूजा पाठ व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। जब तक सुबह उठकर पूजा पाठ ना की जाए, ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है। बिना पूजा पाठ के दिन की शुरुआत भी अच्छी नहीं होती। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं रहता और वे पूजा पाठ से बिल्कुल दूर रहते हैं। उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ का सही विधि पता ना होने के कारण गलत तरीके से पूजा करते हैं। हर रोज पूजा के दौरान वे कई ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद मिलने की बजाय उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं पूजा से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिनका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। जी हाँ, पूजा से जुड़े नियमों का रखें खास ख्याल। पहला, भूल कर भी प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल ना रखें। ज्यादातर पूजा पाठ करने वाले लोग अपने घर में गंगा जल रखते हैं। गंगा जल के बारे में कहा जाता है कि इसे घर में रखने से घर का माहौल पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। ज्यादातर लोग घर में प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल रख लेते हैं, ये बहुत ही गलत माना जाता है। गंगा जल को हमेशा चांदी या सोने के पात्र में ही रखना चाहिए। पूजा पाठ के दौरान प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। साथ ही प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी कुछ ही दिनों में खराब भी हो जाता है। वहीं बात करते हैं दूसरे नियम यानी भगवान की आरती की। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरे दिन में 5 बार पूजा करनी चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में पहली पूजा और आरती करनी चाहिए। इसके बाद 9 से 10 बजे के बीच में दिन के दूसरी पूजा करनी चाहिए। वहीं दोपहर के समय तीसरी पूजा और आरती करके भगवान को सोने देना चाहिए। साथ ही शाम के समय 4 से 5 के बीच में चौथा पूजन करना चाहिए और अंत में 5 बार रात को 8 से 9 के बीच में करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। वहीं बात करते हैं आप तीसरे उपाय की, पूजा करते समय किस दिशा में रखें अपना मुंह। जी हाँ, पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन दिशाओं के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि पूजा के समय दिशाओं का भी बहुत महत्व होता है। इसलिए पूजा करते समय हमेशा अपना मुंह उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ ही रखें। इन दिशाओं में मुंह रख कर की जाने वाली पूजा जल्द ही सफल रहती है। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।